ऐसे नारे ना लगाओ। पाकिस्तान के सियासी पिच पर इमरान खान अपना विकेट नहीं बचा पाए। विपक्ष ने ऐसा यॉर्कर मारा कि इमरान तो क्या, उनके नेताओं के पास भी डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। पाकिस्तान को अब नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है, पर उससे पहले सड़कों पर इमरान समर्थकों की भीड़ उमड़ गई। अचानक गलियों से आवाज आने लगी कि चौकीदार चोर है। कराची से लाहौर तक इमरान के लाखों समर्थक अब सड़क पर उतर चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इमरान खान को फिर से वजीर आजम का दर्जा दिया जाए, और ऐसी ही एक रैली में वहां चौकीदार चोर है के नारे लगने लगे। सारे सिंधियों को बताएगा ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरे है, मारे मुझे गोली मारनी है, मैं तैयार हूँ। दरअसल रविवार को रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के शेख राशिद एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस रैली में चौकीदार चोर है के नारे लगने लगे। इन नारों को सेना के खिलाफ बताया जा रहा है। बता दें कि इमरान को पीएम की कुर्सी से हटाने के पीछे पाकिस्तान की सेना और सेना प्रमुख जनरल बाजवा का हाथ माना जा रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान की सत्ता पर सेना हावी रही हो। हालांकि संबोधन के दौरान थोड़ी देर बाद शेख राशिद ने जनता से ऐसे नारे ना लगाने की अपील की, जिसके बाद जनता शांत हुई। ऐसे नारे ना लगाओ, लाल हवेली की ये तारीख नहीं रही है, हम लड़ेंगे अमन से। 29 तारीख 4 को ईद हो जाएगी, आप तैयारी पकड़े, हर रोज लाल हवेली से जेल भरों की तारीख चलाएंगे। बता दें कि इमरान बेशक सियासी दांवपेच में हार गए हों, पर एक बड़ा तबका उन्हें पीएम के रूप में देखना चाहता है। फिलहाल तो पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में इमरान के सपोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।